कि जिद्दन मैं नशा किया मैं उदन नशेड़ी होया। घरद्या भी लगता कि जिद्दन इन्हें नशा किया ना उदन नशेड़ी बनया। असल दे विच ना घरदे अपने आप नूं ना लुकाउंदे फिरदे आ, वह सोचते हैं भी यही ना सारा भार ये ते सुट के ना आप सैड तों दी निकल जाइए, पर पॉसीबल नहीं है, पॉसीबल नहीं है। जे सैड तो निकलन की कोशिश करोगे ना तो जिहड़ा नशा करन दा ना वह हर वारी तुहाडे अगे खलोता होना जी, हर वारी। जदों तक तुसीं रिस्पोंसीबिलिटी नहीं लेंदे उस चीज़ की, जदों तक फादर रिस्पोंसीबिलिटी नहीं लेंदा कि मेरे पुत्र दे बीमार होण पिछे जां मेरे बच्चे का नशा करन दे पिछे मेरा कोई रोल है कि नहीं हैगा, यह सवाल उन्हें पूछना पैना। तो जे वह हर वारी अपने आप नूं बरी करके बाहर निकलेगा ना तो फिर वह बच्चा नहीं ठीक होना, पर जे वह कह देगा ना कि हाँ मैं भी विक्टिम हैगा, मैं भी तेरी इस कंडीशन दे विच बराबर दा योगदान पाया। बट ये कहिंदिया कहिंदिया वो जिद्दां जटपुणे वाली गल की ना उन्हें कि वो जिहड़ा जटपुणा साडा, क्योंकि सानू लगता कि मैं अपने कारोबार नूं इत्थों तक पहुँचाया, मैं अपने रिश्तेदारां नूं इत्थे तक पहुँचाया, मेरे पांच सत्त यार दोस्त सरपंच पॉलिटिक्सां च बहना पॉलिटिशनां च बहना उठना मेरा, मैं किदां मान लां भी मैं गलत हाँ। हुण मन्नो ना, पर इहदे नाल नुकसान बड़ा वड्डा होण वाला, तुसीं अपने सब तो प्यारे बच्चे नूं गवा दोगे, क्योंकि जिहड़ी डिजीज़ है ना ये तरस नहीं करती किसे ते, किसे ते नहीं तरस करती, इहदा इक्को ही मोटिव हैगा एंड इन्ना स्ट्रोंग हैगा तुसीं सोच नहीं सकते। मेरे घर मैनू बीमार किया सिर्फ इक्को ही मोटिव, दी एंड मेरी स्टोरी दा पूरे फैमिली दा। एंड इन्ने सालों बाद नशा तो छड्या बड़ा टाइम हो गया, नशा छड्या तो मैनू भी बहुत टाइम हो गया ना, पर मैं ना तुहाडे नाल पिछले अपने एक महीने की बीमारी की शेयरिंग करन लगा, पिछले एक महीने अपनी बीमारी की। यही शायद नशा ना करन जां नशा छड्डन नूं मापदंड करते रहने, अज इन्हें किया अज नहीं किया, छे महीने तो ठीक है छे महीने तो करता पिया, सारी उम्र सारी उम्र 30-30 साल 35-35 साल एज हो गई है, पिछले 25-30 साल तो सिर्फ तो सोच के वेखो साड़ी दुनिया किन्नी के है, इन्नी के जिन्नी इन्हें अज किया इन्हें अज नहीं किया, ये अज चंगी तरह बोलिया अज नहीं बोलिया, ये काम ते गया नहीं गया, बाहरों आया लिया एदा लामा कोई, अज फोन इन्नी वारी एदा वज्जा अज इन्नी वारी नहीं वज्जा। हुण मैनूं दसो पिछले 15 साल तो तुसीं ये जिंदगी जींदे हो, पिछले 15 साल तो जां 10 साल तो मैं केड़ी जिंदगी जींदिया बनावटी जिहड़ी रियलिटी दे विच है ही नहीं गी। हुण जदों रियलिटी दे विच ही नहीं तुसीं हैगे फिर किद्दां एक वाइफ हसबैंड दे नाल कनैक्ट करेगी, किद्दां एक हसबैंड वाइफ दे नाल कनैक्ट करेगा, क्योंकि वह कनैक्ट कित्थे है उहदी गलती कढ़न च। ठीक है मेरा नशा करना मेरी बीमारी है, पर मेरी बीमारी नूं बार बार मेरे अगे लै के आना यह किहदी बीमारी है, फैमिली दी, कि मैं बीमार हाँ मैं एक्सैप्ट कर लिया भी हाँ मैं बीमार हैगा, हाँ मैं चंगा चलन दिया हूँ बई, बट बीमारी हुण फैमिली की कह रही है कि तेरे करके देखो मैनू 10 साल हो गए है, 10 साल 10 साल का मतलब सिर्फ इन्ना की हैगा कि मैं ठीक हैगा, इस तो अलावा कुछ भी ठीक नहीं हैगा। अज भी चीज़ां उन्नियां ही पुठियां सिद्धियां हैगियां ने जिन्नियां अज तो 10-15 साल पहला है। अज भी घरद्या का बिहेवियर अज भी लोगों का बिहेवियर हर चीज़ है, बट इहदा मतलब यह नहीं कि मैं उन्होंने ब्लेम करता पिया, मेरा जस्ट कहन का मतलब यही है कि उन्हां दी ए सिकनेस मेरी रिस्पोंसीबिलिटी बनती है कि मैं उन्होंने कंफर्ट दे सकां। हाँ दूजा यह बहाना हो सकता कि मेरे परिवार वाले नहीं समझते पे, मैं करके दोबारा दोबारा करी जावां, दूजी चीज़ ये है।
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਏਜ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਏਜ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਰੋਕਿਆ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਨਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਟੋਕਦਾ ਮੈਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਢਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਢੱਠਣੋਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਫਾਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਜੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਕਾਹਲੀ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਈਗੋ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਿਆਪਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਲੈ ਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਫਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਯਾਰ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੇ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਸੋਚੇਂਗਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਲਟਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ, ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੁਣ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਚੀਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਇਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ? ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅੱਜ। ਐਂਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ।
गंदी दुनिया। इस तरह घर है, इस तरह परिवार है। सो अपने आप दे नाल सब तो पहला ऑनेस्ट होना। मैं ना तुहाडे नाल गल करन लगा कि पिछले एक महीने के अंदर अंदर मेरे बड़े बिहेवियर चेंज आए, बड़े ज़्यादा इन्ने बिहेवियर चेंज आए। मैं हरमीटेज दे विच ही एंड मैनू इंज लगना शुरू हो गया कि मैं हरमीटेज नू छड्ड देवां। इन्ने ख्याल पता नहीं कितों 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 कितों, मैं यार की होन डिया। मैं सारे नाल गलबात करदा रहा, गुस्सा इन्ना, इरीटेशन इन्नी, कुछ करन नू दिल नहीं। हर वेले मतलब एक दिन दे विच 25-25-30-30 हज़ार स्टैप बस तुरी जान डिया, तुरी जान डिया। भी इन्ना वधिया सब कुछ चलन डिया, जां ते मैं कहां भी घर दी ने कुछ किया हुण बहाना लब्भे ना, जां मैं कहां भी फादर ने कुछ कहता बहाना ये भी नहीं हैगा। हुण की डिया मेरे अंदर, हुण की डिया अंदर मेरे भाई। सिर्फ एक छोटी जी चीज़, एक छोटी जी चीज़ कि आ जो होण डिया ना मैनू ये तो कुछ अलग करना, मैनू ये तो कुछ अलग करना, जो होण डिया मैनू ये तो कुछ अलग करना। हुण जदों ये थॉट आउंदा ना कि मैं ये तो कुछ अलग करना, फिर तुहानू बंदे मिलते ने अपने आप, पता नहीं ये क्यों होंदा पर मिलते है। उस दिन तो बाद मेरे अंदर थॉट 10 दिन बाद फोन वजने शुरू हो गए। फोन किन्ना दे वजन डे है, जिन्हें धरने ते बैठे है। ओ भाजी बस हरमीटेज बारे बोलते रहना, बस नशे बारे बोलते रहना, वो अपने अंदर का किदन किसान जागना, किदन इन्ना अंदर चल चल चल। 26 तरीक नूं स्ट्राइक, मैं 25 तरीक नूं घर गया। हुण उदां ते हरमीटेज च ते मैं काबू नहीं ही होना, 26 नूं मैं 25 नूं घर गया। रात मेरे घर आ गए प्रधान किसान जिहड़ा गुरदासपुर दा हैगा, एक पिंड दा सरपंच, एक मेरे मेरा भरा ही है ताए दा मुंडा, वो थोड़ा पोलीटिकली एक्टिव हैगा, तिन्ने जने ही आ गए। ते बई मैनू तो डर लगे क्योंकि इन्हां बंदिया को तो ज़्यादा डर लगता सानू, क्योंकि अपनी जिंदगी चंगी भली चलती जिहड़ी है ना खराब हो जाती है। पर दिमाग नहीं समझदा, तू वेखो समझदा कदों है, एक छोटी जी चीज़ तो जाके। मैनू कहिंदा मेरे ताए दा मुंडा काले सवेरे स्ट्राइक है, सारा पंजाब बंद है, गुरदासपुर धरना होना, तो तू जाके बोलना। मैं भी ना यार, ना घड़ीसो, मैनू ना घड़ीसो, मैं तो पिछले 15 दिन तो पहले ही अपने दिमाग तो बड़ा तंग हैगा। अच्छा वो बंदे ने ना खेड़ा नहीं छड्या मेरा, मेरे को वीडियो पईआं तुहानू विखावांगा बाद च, उन्हें ना खेड़ा नहीं छड्या। तो मैं उन्होंने कहा मैं सवेरे जाना ना, तो हुण रैसट कर लीए थोड़ी जी, सवेरे चल जाएंगे तुहाडे नाल। हुण मैनू पता ही अंदरों, क्योंकि रिकवरी दे विच जदों तुसीं चलदे हो ना तुहानू पता हुंदा भी तुसीं किहड़े मूवमेंट ते जाके फस जाणा। अच्छा मैं सवेरे सवेरे मोटरसाइकिल कढ़िया अपनी पैली च चल गया, फोन मैं घर छड्ड गया भी फोन करनगे ते घर दे चुकणगे आपां पैली च। ओ हुण ढीठ बंदे ते ढीठ है बई, हुण मेमणा फसाउणा जिन्हां ने उन्हां ने ते जाल लै के तुरे ही फिरना बई, हलाल कर दो हुण। हाँ जे वो मेमणा उहो जिहा हुंदा ते चटका आ गया ही। हुण उत्थे गए, चलो मैं उन्होंने मैं यार की करन दे, मैं तुसीं जाओ, मैं ठीक नहीं, मैं 100 बहाना बट वो ढीठ एडे मन्नण नूं तैयार नहीं। मैं घर आ गया, घर आण के ते मम्मी नूं मेरी नूं कह चाची वेल लै हुण साडे ही नहीं आखे लगदा है, अही इहदे कोल कहड़ा मंगण डे आ कुछ, 10 मिंट ते जाणा ही है। मम्मी फस गई, मम्मी आँदी चल जा हाँ फिर की हो गया, तू एडा ही वड्डा हो गया भी तू इन्हां दी गल ही नहीं सुनता। हुण मैं मम्मी तेनू हुण मैं की समझावां, वड्डा नहीं मैं, तो फस जाना इन्हां दे सिकंजे च। अच्छा चलो जी मैं चल गया, उत्थे गया ना अनाउंस होने ही बोल दिते उन्हें लिस्ट भी आ बुलारे बोलणगे, मेरा नाम भी लिखाता उन्होंने कि बोलणगे बंदे। जदों बोलण दी वारी नाल ही ठाणा ते दो सरदार बंदे पिछे आवाज़ मार ली उन्हें, मैनूं आंदे भाजी आ जाओ। हाँ जी कितों, मैं इतों ही हाँ दसो कितने रेंदे हो, मैं अमृतसर। बोलना मैं भी हूँ तुम ढंग तो दिता ही है, बोलना तो पैना ही है कुछ ना कुछ, तो जेब च पाया हाथ आ माड़ी जी छक लो थीम थीम थीम। मैनू आंदे भाजी माड़ी जी छक लो, मैं भी क्यों, बोलिया वधिया जांदा इहदे नाल। मैं अच्छा, मैं चलो तुम खा के वधिया बोलियो। मैं उत्थों एक सैकंड नहीं सोचा भी मैं इन्हां दे लागे खलोवां जां ना खलोवां, मैं चुप करके बाहर आ गया।
हुण मेरे अंदर चलन की डिया गुस्सा कि तुही एक किसानी मुद्दे नू संभालन वाले बंदे वो हैगे ने जिहड़े कि खुद नशा बनते पे ने। हुण मेरा दिमाग बोलन नू पता की कहिंदा कि मैं दोवें बंदियां बारे बोलदा जाके, क्योंकि अपने अंदर इहो जिहियां चीज़ां चलदियां। पर फिर नाले मैं यार छड्ड परां, इन्हां तैनू अलग ही ठाणा ही इत्थे ही दबाड़ नहीं हूँ, जे तो 5 मिनट को चज की चीज़ बोलनी है बोल लै, चल जा, चलो 5 मिनट जिन्ना भी मैं बोलिया बोल के अपना उत्थों निकल आया। ये है हुण रियालिटी। जदों दिमाग डिस्ट्रैक्ट होएगा ना तो तुहानू बंदे खिंचणगे अपने आप, तुहाडा दिमाग उन्हां बंदियां को लैके। हुण मैं उन्हां कोलों बच के अपनी शेयरिंग आण के डॉक्टर साहब दे नाल कीती, डॉक्टर साहब दे नाल भी पता नहीं की होया, बट अपने आप नू कंफर्टेबल। हुण ये है डिजीज़, असली बीमारी की है। हुण साडा जिहड़ा आपस दे विच हुण इन्हां पिछले एक महीने च होया की बच्चियां दे नालों डिसकनैक्ट होया, मैं वाइफ दे नालों डिसकनैक्ट हो गया, मैं हरमीटेज दे नालों डिसकनैक्ट हो गया, मैं हरमीटेज च जिन्ने स्टूडेंट ही उन्हां दे नालों डिसकनैक्ट हो गया, एंड सब तो वड्डी चीज़ अपने आप नालों डिसकनैक्ट हो गया। सवेरे उठन दा वो चाह ही नहीं आउण डिया अंदरों, बई सवेरे उठ के तैयार होना, नहाना, वो एक्सरसाइज अद्धा पौना घंटा छत ते करनी, सब कुछ खत्म, सब को खत्म। इन्नी खतरनाक डिजीज़। हुण जे इस बीमारी नू हल्के च लै लीए कि अज पीती है ते अज छड्डी है, तुसीं उस तबाही दे मंजर ते खड़े हो जिदां इह सब कुछ ढह ढेरी हो जाणा ते तुहानूं खुद नूं वी नहीं पता लगना कि लाइफ कित्थे खत्म हो गई। सो रिस्पोंसीबिलिटी अपनी है तुहाडी, तुसीं रिस्पोंड करदे हो अपनी एबिलिटी नूं। बाबा जी ने बड़ी वधिया चीज़ां दित्तियां सानूं। मैं ना मैनूं सर कहिंदे भी रैसट कर लै, सर कहिंदे रैसट कर तूं, अच्छा मैं भी चलो रैसट कर लैंदे। कल मैं रैसट ते ही शामां तक जांदियां जांदियां ना और रैसट जिहड़ी है ना इंज लगन लगे भी अरैसट हो गया मैं शामां तक। मैं यार रैसट भी नहीं करनी आउंदी सानूं, ते सानूं तो रैसट करनी नहीं आउंदी। लोग कहिंदे भी वेला टाइम मिल जाए, अही कहिंदे कि यार मिलिया भी, चलो डॉक्टर साहब इहो जिहे इंसान हैगे आ जिहड़े तुहाडियां भावनावां नूं तुहाडियां फीलिंगां नूं समझदे। रैसट मैं भी चलो रैसट बारे थोड़ा जिहा सोचिए। रैसट क्यों करते हैं? यही रैसट का मतलब होंदा रीसैट, कि तुम रैसट करो अपने आप नूं दोबारा रीसैट करो, तैयार होवो तो काम ते जाओ। अही रैसट ते बहिंदे आ, अही सब रूटीन भुल गई, खाण पीण भुल गया, सब कुछ भुलाता, खिलर गई पूरी जिंदगी। हुण दूजा मतलब एक होर है इहदा, जे ते रैसट ते बैठे रहो फिर रैसट इन पीस, रैसट इन पीस। हुण रैसट इन पीस उस बंदे लई है जिहड़ा इन रिस्पोंसीबल है अपने अज दे कम नूं लै के। हुण अज दा कम की है? अज दा कम मेरा सिर्फ इन्ना कि है कि मैं अपने अंदर दे इमोशन, अपने अंदर दियां फीलिंगां नूं मैनेज कर सकां। अज दे मेरे काम की है कि अज दा दिन जिहड़ा चढ़िया शामां तक कुछ मैं इहो जिहा ना करां जिहदे करके मैनूं अपने अगे रात नूं शर्मिंदा होना पए, बस इन्ना क कम। पर यही कम की वाड़े है जिन्ने बंदे इत्थे बैठे है ना, जिन्ने भी बैठे है, जिन्ने भी साडी लाइफ उस कंडे ते हैगी है जिहड़े कंडे दी रेत कदे भी किसक जानी। एक गलत सोच दे नाल, एक गलत बिहेवियर दे नाल। मैं सब कुछ ठीक करना चाहुंदा पर मैं उहदी रिस्पोंसिबिलिटी नहीं लैना चाहुंदा। मैं अपनी इस घटिया जिंदगी तो तंग हाँ ते मैं अपने आप नूं रोज़ कहिंदा कि मैं अपनी जिंदगी वधिया करनी है, पर मैं वधिया कर क्यों नहीं पाउंदा? क्योंकि घटिया जिंदगी दे विच उह जिहड़ी औखी जिंदगी पई है ना, मैं उहदे तो डरदा। उह जिहड़ी औखी जिंदगी पई है क्यों? क्योंकि मैनूं आदत बन गई है मेरी एक दूजे ते डिपेंडेड होण दी, कदे चीज़ां ते, कदे इंसानां ते, कदे किसे ते। डिपेंडेंसी हर टाइम डिपेंडेंसी चलती रहिंदी है मेरी। हुण उह जिहड़ी डिपेंडेंसी है उहनूं तोड़न तो डर लगता, मेरा डिपेंड रहिण तो थोड़ा डर लगता,
वो जी डिपेंडेंसी बन गई है, मैं उस डिपेंडेंसी तो डर लगता। एक माँ को डर लगता कि मेरा बच्चा ना दूर हो जाए, एक बच्चे को डर लगता मेरी माँ ना दूर हो जाए, तो एक हसबेंड कोई डर नहीं है। मैं उदन परसों गल हुई ना, मैं उदन भी एको गल की, क्योंकि मैनू ना ये चीज़ बड़े चिर बाद समझ आती, जी चीज़ मैं समझ आती है ना मैं पक्की कर लिना अपने अंदर, कि एक कुड़ी का विआह हुंदा ना अमन भाजी, वह उस दिन लग मन लेंदी कि मैं विआही गई हूँ, बंदे नू मन लग्या पता नहीं किन्ने साल लग जाते, मन लगे इंज भी जिदा मौत पैंदी है भी यार मेरी घर दी है नहीं मनिया जाता वे को, बस किसी बहर वे लिया मूँह चो रला तो दस ही यार तू थोड़ा जहा तो थोड़ा जहा इंसानियत थोड़ी जी इंसानियत, बट ये साढ़े बीमार दिमाग की निशानी हैगी है, ये बीमार दिमाग की निशानी है। ठीक है हसना खेडना जिंदगी च हसो खेडो मन का चाहो है, बट जिम्मेवारी तो लो यार। एक वो कुड़ी जिहड़ी पिछले 20 साल 22 साल का कनैक्शन अपने माँ प्यो नालों तोड़ के ताडे घर आ के बैठी है कि मैं जिस बंदे दे नाल आई हाँ ये बंदा मेरी जिंदगी नू थोड़ा जहा सुखी करेगा, थोड़ा जहा वो ज़्यादा नहीं मंगती तो मंगती कि थोड़ा जहा सुखी करेगा, पर उत्थे आ के जो वेंदी है ना तो फिर यार फिर साडा हाल इस करके दुखी है। मैनू लगता है कि यही दुखी अपनिया चीज़ों तो नहीं है, दुखी यही अपनिया जिहड़ियां रिस्पोंसिबिलिटियां अपने आप तो दुखी है। अपने आप नू खुश करन दा एको तरीका है अपने आप की इज्जत करनी शुरू कर दो। जिस बंदे नू अपनी इज्जत करनी हुंदी है ना वो किसे दी बेइज्जती करेगा कदे? जिन्हों आप खुश होना हुंदा है वो कदे ना किसे नू ना खुश कर सकदा? जे साडे घर च ना खुशी है ना तो इहदा मतलब मैनू अंदरों एक करी झाती मार के एक पेपर पेन लै के उहदे ते लिखना चाहिए कि मैं किहड़ियां चीज़ां ते कदों खुश हुंदा ते किहड़ियां ते नहीं हुंदा। तुहानूं 100 चों 99 चीज़ां इहो जिहियां मिलणगियां जिंदगी च जिन्हां दे तुहाडे जिंदगी च कोई रोल ही नहीं हैगा, उहनां लई खुश होण दिओ तुसीं। तो जदों वो लभ जाणगियां ना 99 चीज़ां उत्ते कांटा मारिओ तो वो जिहड़ी एक चीज़ तुहाडे सामने पई होएगी ना, अच्छा मैनू अपने नाल खुश होने की लोड़ है यार, मैनू अपने आप नाल चंगा लगन की, बस वो जिहड़ा एक आएगा ना वो ताड़ी असली लाइफ है, वो ताड़ी असली जिंदगी हैगी है। उत्थे फिर नशा उत्थे छोटियां मोटियां चीज़ां सब बंदा सुन के कहिंदा छड्ड परां यार आपां की लैणा बल्ले बल्ले चों। ठीक है एक मौका दिता, मेरी उम्र 35 साल है, मैं तो इस तरह गुजारदा कि आ जिहड़ा अज दा दिन है ना शामां नूं तैनूं यह सोच के ना बताउणा पए कि अज कुछ कीता नहीं हैगा, तो सवेरे उठ के तैनूं यह ना लगे कि यार अगे इन्ना काम करन नूं पिया, बस इन्ना कि अगे कुछ भी नहीं करन नूं पिया यार। सवेरे उठ जिदी जिदी उम्र दे हिसाब नाल जिदे जिदे लई जो काम है उहनूं करी जाओ, बस चुप करके। दुखी इस करके हैं क्योंकि मैनूं लगता मेरा काम घटिया दूजे का वधिया, उहनूं लगता इहदा काम वधिया तीजे का घटिया, नहीं यार तुसीं अपने आप नूं कंफर्टेबल करो, क्योंकि ताड़ी लाइफ की रिस्पोंसिबिलिटी किसे ने लैनी? मेरे प्यो ने नहीं लई, मेरी माँ ने नहीं लई, वो तो अपना काम करते गए चंगी तरह करन दे ही करते रहे करते रहना उन्होंने, पर मैं भुलिया भटकया कि नहीं यार मेरी जगह तो कोई होर आ जाएगा, कितने रब ही थले आण के कुछ इहो जिहा कर दे कर दिंदा, पर वह भी उदों करदा जदों तुसीं अपने आप नूं ठीक करन वाले पासे चलदे। उदों तक तो फिर तुहानूं रब भी उत्ते रब ते थले जब वो सारिया चीज़ा नज़र आदियाँ रिंदियाँ। सो अपनी लाइफ के नाल ईमानदार होवो, कोई फर्क नहीं पैंदा। जिहड़ा मैं ना तुहानूं दो के गल्लां होर करके बस करांगा, फिर अपनी जिंदगी के तजर्बियां चों निकलियां चीज़ा ने मैं जिहड़ी जिहड़ी चीज़ के मगर दौड़िया ना, तो मेरे हथों जदों चीज़ निकल गई ना तो मैनूं लगता ही यार मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, क्योंकि जे मेरे को नहीं हैगी चीज़ तो मेरी जिंदगी कादी है, जे मैनू ये नहीं मिलया तो मेरी जिंदगी कादी है। पर एंड ऑफ द डे 5-7 साल बाद जाके मैनू एक चीज़ समझ लगी कि जिहड़ी चीज़ के मगर मैं दौड़न दिया ना जे मैनू मिल जाती ना तो मैं अगले 6 महीनों च बर्बाद ज खत्म हो जाना है। हुण मैं करदा की पिया ही कि जो मेरे को हैगा उन्हूं मैं एक्सैप्ट नहीं करता, कि जो मेरे को हैगा हुण जिद्दण मैं उस चीज़ नूं एक्सैप्ट किया ना बाबा जी की कृपा वेखो किड्डी तगड़ी हैगी है। जिस दिन मैं अपनी इस डिजीज़ नू अपने करैक्टर डिफेक्ट नू अपनी इस वीक परसनैलिटी नू
ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੈਕੇਜ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਮੇਰੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈਡ ਤੱਕ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਜਿਡ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਾ, ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ, ਕੇਸ਼ਵ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਲੱਭ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ, ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਏਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਬਸ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਲੌਕ ਲੱਗੇ ਆ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਲਓ ਜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਫਾਦਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣਾ, ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬਟ ਉਦੋਂ ਲਾਚਾਰੀ ਬੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਚਾਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਯਾਰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਛੱਡਦੇ ਬਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਛੱਡਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਦੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਦੇਈ ਗਿਆ ਜੋ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਵਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸ, ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾੜਿਆ ਸਿਰਫ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਜਾੜਿਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਪਿਓ ਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਲੋ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾਬਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਂ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਭਾਅ ਜੀ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਡਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ 15 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੁੱਛੜ 'ਚ ਨੰਘਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੋਨ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੰਘਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ 50 ਸਾਲ। 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਯਾਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ, ਯਾਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਫ ਉਨਾ ਕੁ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲੇਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਨਾ ਕਰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਿੱਥੇ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਫੋਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਘੰਟਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ।
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਟ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਬਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀਕਨੈਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ, ਖਿਆਲ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।